हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग जो भी हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज करा रहे हैं, उन एक्सरसाइज को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से डेडिकेट रूप से आप लोग देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, रिसेंटली हमने 1.1, 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट किया था। आज हम 1.4 की ओर आगे मूव करते हैं। तो 1.4 को चालू करने से पहले, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने थ्योरम 1.6 एंड 1.7 का आप लोगों को प्रोवाइड कराया है, पहले आप लोग उस वीडियो को देख के आइएगा, तभी जाके आज के वीडियो का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका हमारा कंसेप्ट एंड कंटेंट दोनों ही पता होना चाहिए, तो ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से चैनल यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए 1.4 की ओर करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन जो है ना हमारा, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एंड विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। यानी क्या क्या रहा है पहले क्वेश्चन समझिएगा। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड दिए हुए, जो आप बचपन से देते आ रहे हो डिवाइड, उस मेथड से डिवाइड नहीं देना है। बिना डिवाइड दिए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, कुछ आपको रेशनल नंबर्स क्वेश्चन में लगभग आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जो रेशनल नंबर फॉर्म में है, विल बी हैव टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको बताना है कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट होंगे डेसिमल के बाद। टर्मिनेट समझे, यानी एक फिक्स डिजिट तक वो टर्मिनेट होगा, उसके बाद उनमें डिवाइड नहीं जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें डिवाइड चलता ही जाता है, एक पर्टिकुलर एक सेट बन जाता है, तो उसमें आप डिवाइड देते ही जाओ। हालांकि इस सब के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरा कंसेप्ट समझा दिया है, तभी जाके आपको आज का कंसेप्ट समझ में आएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 13, 3125, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसमें आपको पता लगाना है, क्या ये डिवाइड देने में पॉइंट के बाद टर्मिनेट होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगे। ठीक है, आइए उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 की पावर m एंड 5 की पावर n फॉर्म में हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर करते हैं 3125 के। आइए 3125 के हम लोग फैक्टर करते हैं। ऑब्वियसली ये जो डिवाइड है 3, 1, 4, 2, 6, 5, 11, सीधे ही 5 का डिवाइड इसमें जाएगा। 5 का जब डिवाइड देंगे, 5, 6, 30, 1, 2, 5, 2, 10, 2, 5, 5, 5, 25, 5 टाइम्स जाएगा दोबारा, 5, 1, 1, 2, 2 एंड 5, 5 से देंगे दोबारा 25, 5 से देंगे हम दोबारा 5, 5, 1। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारे इसका फैक्टर हुआ है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने फैक्टर किया है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हम इस क्वेश्चन को क्या ये लिख सकते हैं, मेरी बात समझिएगा, हम क्या इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 लिख सकते हैं क्या? हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बात वही है। चलो आइए अब और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 की पावर कितनी है? 5 है। अभी प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था कि अगर n कोई नंबर हो, वो 2 की पावर m या कोई नंबर हो 5 की पावर n, या दोनों ही उसके साथ आए बोथ, तो डेफिनेट वो नंबर टर्मिनेट होगा। क्या आपको कुछ दिख रहा है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पर 13/5 की पावर 5 ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, यानी नीचे 5 की पावर m कुछ आ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्लियर समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, हम थर्टिकल कॉन्सेप्ट समझ करते हैं, आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। अब इसका मतलब ये है, ये आपका टर्मिनेट होगा। आप डेफिनेट डिवाइड दे के देख सकते हो आप लोग, हालांकि मेथड है ये, पर्टिकुलर मेथड है, लेकिन आप डिवाइड देके चेक भी कर सकते हो। पॉइंट के एक निश्चित डिजिट तक इसका डिवाइड जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब बताइए या तो ये या इसको और था सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, किसी भी डिजिट के ऊपर, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम पावर लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, 1। आइए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 13/2 की पावर 0 एंड 5 की पावर 5, क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसका मतलब 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो मतलब वही मतलब हुआ। ठीक है, तो ये आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब दिस नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, अब सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर इस बोर्ड आप लोगों को कराते जाऊंगा, आप लोग इसको राइट करते जाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग आई होप यू समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि डिटेल्स मैंने अभी बता दिया था आप लोगों को। 13/3125 इसको मैंने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, ये फैक्टर आप रफ में करना है आप लोगों को। इसको 5 की पावर 5, फिर मैंने वही 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इस चीज़ को आपको मालूम होना चाहिए। इस चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी डिजिट के ऊपर पावर लग जाती है उसका वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। नीचे आपको क्या लिखना है, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। डिनोमिनेटर जो है 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में आ चुका है। यहाँ m n से आप कन्फ्यूज नहीं होनी, यहाँ m m बस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस कुछ भी हो, 0 भी हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, हैंस 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17/8, 8 को अपन फैक्टर करेंगे, 2 की पावर 2 × 2 × 2 फैक्टर करने पे आप लोगों को पता चल जाएगा 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 की पावर 3 × 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 का मतलब भी कितना होता है, 1। मैंने आप चीज़ को आपको बता रखा है, किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 आती है तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो सवाल वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेसिमल इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, डिनोमिनेटर कौन सी फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज द टर्मिनेटिंग एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। तो मतलब इसका ये है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो, खुद भी देख, डिवाइड जाता है, जाता है, ये आप लोग चेक भी करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ, तो आप लोग राइट भी करिए इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, 64/4455। इसको जब हमने फैक्टर किया तो 5 × 7 × 13 आया, आप लोग इसको कर भी सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। डिनोमिनेटर आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर 5 तो दिख रहा है आपको, 5 की पावर 1 दिख रही है, लेकिन ये 7 और 13 नहीं आना चाहिए, ये हमने बता दिया आपको। जैसे 7 13 आता है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर्म में होगा। डिनोमीटर इज अ नोट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर n। डिनोमीटर जो है ना आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में नहीं है। हैंस 64/4455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर समझ में आ रहा है, फैक्टराइजेशन 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में नहीं आया, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नेक्स्ट 15/1600, जब इसका फैक्टर करते हैं तो 6 × 2 का डिवाइड जाता है 5 × 5। इस तरीके से फैक्टर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर m फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये आपका टर्मिनेट होगा। तो काफ़ी बेहद अच्छे क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग उसको राइट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 पर हम लोग आ रहे हैं। 29/343 आपको दिया गया है यहाँ पर, 343 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 3 × 7 से हो जाता है ये, 3 × 3 बार, ठीक है, 7 × 7 ये फैक्टर हो जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा है कि 29/7³ आ रहा है, यानी 2 की पावर m 5 की पावर m फॉर्म में नहीं आ रहा है, 2 की पावर m फॉर्म में आ रहा है, ना 5 की पावर n आ रहा है, ना दोनों ही फॉर्म में आ रहा है। तो इस चीज़ को मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर दिया था, जब अगर ये कोई सा भी फॉर्म ना आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो काफ़ी बेहद क्वेश्चन सीधे हैं, आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 पर हम लोग आते हैं। इसमें तो हमें कुछ सॉल्व करने का काम ही नहीं है, ऑलरेडी आपको 2 की पावर n और 5 की पावर n फॉर्म में दे दिया गया है, तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, वही की वही लैंग्वेज, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको काफ़ी बेहद आसान क्वेश्चन है, कंटेंट यदि आप लोगों के समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत सीधे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको राइट करिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका 7 और 8 को हम देखते हैं, 29/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब ये क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर 2 की पावर m 5 की पावर m आ रहा है। आप लोग मेरे थ्योरम 1.6 को ही समझेगा कि सिर्फ 2 की पावर m 5 की पावर n ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, इसके अलावा 7 भी नहीं। आप सोचे दोनों आ तो गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेट डेसिमल हो जाएगा ये, नहीं, ये 7 की पावर 5 कोई 2 की पावर m 5 की पावर n के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट 6/15 पर आते हैं, 15/3×5, तो इसका मतलब ये भी 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म में नहीं आया, इसका मतलब ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी सीधे क्वेश्चन है, काफ़ी बेहद सीधी एक्सरसाइज थी, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा और सभी क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस खुद ही करिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को राइट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, थोड़ा सा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मेरे से मिस्टेक होगी तो ह्यूमन एरर सबसे हो जाती है। इसमें क्या करना था, मैंने बताया था रेशनल नंबर को जब तक SCF 1 नहीं होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइजेशन उसका 1 ही होता है। यहाँ पर 6/15 के पहले मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, सिंप्लीफाई पहले करना ज़रूरी था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। स्टूडेंट देखिए 3 से 2 टाइम्स गया, ये आपका 2/5 हो गया, तो गलती हो गई थोड़ी सी, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा करेक्शन। ये आपका टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ चुका है, तो इसको सही करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोगों से तो इसको अपन अभी सही कर लेते हैं करेक्शन को। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में होता है, तो डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2^m, 5^n, हैंस 6/15 इज द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल इज द डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर इसको सही कर लेते हैं, मिस्टेक होगा। इज द डेसिमल टर्मिनेटिंग, तो इसमें इस तरीके से मिस्टेक हो गया था, आप लोगों को करेक्शन कर लीजिएगा। हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन जब आता है आपका तो उसका पहले सिंप्लीफाई जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि रेशनल नंबर जब ही कहलाएगा जब वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसका SCF 1 आना चाहिए। थोड़ा सा इस चीज़ में क्वेश्चन मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज हो गया, मैं ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो ये आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 35/50, इसमें भी देखिए 5/7 35 का, 50 का 2 × 5 × 5, 5 से 5 क्रॉस आउट, 7/2 × 5, ये आप रेशनल फॉर्म में आ चुका है, तो और ये 2^m, 5^n फॉर्म में भी है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ता है हमें, हम कई बार गलती भी हो जाती है हम लोगों से भी, कि आज सीधा समझने के चक्कर में कुछ कंसेप्ट मिसमैच हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, और इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का लास्ट आते हैं हम लोग, उसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 77/210, वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पहले मैं इसके सिंप्लीफाई किया मैंने 7 × 11, ताकि मिस्टेक ना हो हम लोगों से, और सिंप्लीफाई हो रहा है कोई जब भी, क्योंकि रेशनल नंबर उसको क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि रेशनल नंबर पहले फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो रेशनल नंबर लिया है उसको फॉर्म में, आपने सिंप्लीफाई किया, 77 गया, ये 2/5 नीचे ही आया डिनोमिनेटर में, तो क्लियर दिख रहा है 2^m 5^n तो आ रहा है, लेकिन 3 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर है वो 2^m और 5^n फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब 77/210 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम के सेम इसके आगे का सॉल्यूशन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक बार रीड कर देता हूँ, इसमें आपको ये बताना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, जो जो आपका टर्मिनेटिंग है, अब ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन, बहुत छोटा सा है वो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको करेंगे, कि जो जो आपका टर्मिनेटिंग था उसका आंसर लिखना है। ठीक है, डिवाइड देने पे क्या आंसर आएगा, तो स्टूडेंट्स आप लोग खुद भी करने की कोशिश कर सकते हो और मैं भी उसको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात ये है कि जो भी मैंने आज क्वेश्चन कराया है प्रीवियस वीडियो देख के आइएगा, तब आज का कंसेप्ट समझ में आएगा, और अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे कंसेप्ट कराऊंगा, वो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, रिवाइज करिए, आराम से क्वेश्चन करिए, कंसेप्ट समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स फ्रेंड सर्कल तक इसको शेयर करिए, ताकि उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।